हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों के मध्यम और निम्न ऊंचाई वाले पहाड़ों पर पलम बादाम पेड़ों में फ्लावरिंग इन दिनों जोरों पर चल रही है। मौसम अनुकूल होने के कारण प्रजनन क्रिया भी सामान्य रूप से जारी है। इस बार सर्दियों में आशा अनुरूप बारिश और बर्फबारी से भूमि में नमी पर्याप्त होने के साथ साथ पौधों को भी जड़ों को ठंडक भरपूर मिली है। ऐसे में किसान बागवान फल पौधों में फूल आशा अनुरूप लगने से खुश हैं। बस अब वे इंद्रदेव से यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले 2 हफ्तों तक मौसम सामान्य रहे ताकि फ्लावरिंग पर कोई असर ना हो और मौसम साफ रहने की सूरत में प्रांगण क्रिया भी सामान्य रहेगी। मौसम खराब होने पर फ्लावरिंग प्रभावित होती है। ठंड बढ़ने के कारण कई बार फूलों को चिलिंग इंजरी हो जाती है और फूल झड़ जाते हैं। फ्लावरिंग का ये समय नाजुक रहता है। खराब मौसम में मक्खियां भी फूलों पर नहीं जा पाती हैं और प्रांगण क्रिया रुक जाती है। अब बागवान आशा अनुरूप फ्लावरिंग को देखते हुए ऊपर वाले से साफ मौसम की दुआ कर रहे हैं ताकि बंपर फसल हो और उनकी मेहनत रंग लाए। बागवान दीपक ने बताया कि आजकल पलम बादाम के फ्लावरिंग का सीजन है। हमारे पलम बादाम मुख्य फसल है। फ्लावरिंग से वे इस बार खुश हैं। अभी प्रांगण का समय है और मक्खियां भी साथ दे रही हैं। बढ़िया पॉलिनेशन हो रही है। अब सब यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो और अगर बारिश होती है तो उनके पौधों का धंधा चौपट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी फ्लावरिंग का सीजन है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग जो बारिश के कारण काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है और पॉलिनेशन के लिए भी काफ़ी बढ़िया मौसम है कि मक्खियाँ सारी जो है बढ़िया तरीके से फ्लावरिंग में अच्छे से पॉलिनेशन कर रही है। तो अगर अब मौसम ख़राब रहता है 8-10 दिन में तो ये इस फ्लावरिंग का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा टोटली। जितना भी आप देख रहे हैं कि मतलब जितना भी फ्लावरिंग है वो सारा गिर जाएगा तो पॉलिनेशन सारी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से अब हम देख रहे हैं कि मौसम ख़राब ना हो ताकि जो हमारी मेहनत है वो इस बार सही से रंग लाए और अच्छी फसल हमें मिले। वहीं रतन चंद ने बताया कि इस बार पलम व बादाम में बम्पर क्रॉप हुई है। अगर इंद्रदेव 8-10 दिन मेहरबान रहते हैं तो उनकी गरीबी भी दूर होगी। इस बार हमारे पलम की फसल बहुत बढ़िया है, बम्पर क्रॉप है। बशर्ते है कि भगवान ऊपर से बरस न जाए। अगर 8-10 दिन तक ये रुक जाता है तो हमारी इस बार बहुत अच्छी फसल होगी। अगर ये आ गया तो ये ख़त्म कर देगा। तो पॉलिनेशन वगैरह ठीक हो रहा है? पॉलिनेशन सब कुछ है जी। ये देखो आपके सामने मक्खियाँ हैं, हर इस पेड़ में है, बहुत बढ़िया है। इस बार ये है इंद्रदेव भगवान अगर ना बरसे। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर RS मिन्हास ने बताया कि इस बार गुठलीदार फलों के लिए सर्दियों में बर्फ और बारिश अच्छी हुई है। अगर मौसम अनुकूल रहता है तो अच्छी फसल होगी, लेकिन मौसम का रुख अच्छा नहीं है। इस हालत में फसल पर प्रभाव पड़ सकता है। माल में तो मौसम अभी ठीक ही है क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट भी इस बार काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी भी अच्छी हुई है और गुठलीदार फल उत्पादक क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। आने वाले वक्त के बारे में कोई खास अच्छा नहीं कहा जा सकता। जैसे मौसम के पूर्वानुमान हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसा रहेगा। तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ये है कि उसके अंदर देखिए जितने भी गुठलीदार फल हैं इन सब में जो परागण क्रिया है वो ज़रूरी होती है क्योंकि इसका जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है इसमें, तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी है पोलन स्क्रेन्स का टाइमली मच्योर होना। और अगर वो मच्योर नहीं होते उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो अच्छा होना भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ बागों में जो मधुमक्खियाँ हैं, मधुमक्खी है, उसकी एक्टिविटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए।